एक मच्छर आदमी को, नहीं वो नहीं वो नहीं, सिर्फ एक सेकंड में आप एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सोचते होंगे कि एक सेकंड में कैसे हम एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि होता है लगभग 1 GB या फिर 900 MB या फिर 800 MB तक का। तो इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा और आपको बताऊंगा ये सच है, ये एकदम रियल बात है। आप बोलते होंगे कि अनीस भाई क्या बात कर रहा है यार, ये 1 सेकंड में कोई मूवी डाउनलोड हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है क्या? पर फ्रेंड, जो हम सोचते थे पहले कि फ्री में कभी इंटरनेट नहीं मिल सकता, वो सच कर दिखाया जियो ने। तो इसको भी सच कर दिखाया जियो ने। जियो जो है अब अपना जो FTTS सर्विस ले आया है, वो भी मुंबई में, मतलब कि फाइबर टू द होम। फाइबर सर्विस जो जियो का था, वो बताया भी था कि सिर्फ 1 सेकेंड में आप 1 GB तक का मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब 1 GBPS का स्पीड होगा। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा स्पीड होगा। तो ये जो सर्विस है, ये मुंबई में आ चुका है, मुंबई के कुछ शहरों में आ चुका है, और वहां पे उसका वायर से कनेक्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों के घरों में, और वो लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका लाभ उठाना। तो फ्रेंड, आप भी रेडी हो जाइए, शायद आपके भी शहर में या फिर मेरे शहर में जल्द से जल्द ये सर्विस आने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा इस सर्विस में क्या क्या मिल रहा है। इस सर्विस में आपको मिलेगा 3 महीने तक का इंटरनेट फिर से फ्री, और वो भी 100 GB पर मंथ, मतलब कि तीनों महीना 100 100 100, तो 3 महीना आपको 300 GB तक का डेटा मिलेगा। मान लीजिए आपको पहले महीने 100 GB मिला, 100 GB आपने 1 महीने से पहले ही खत्म कर दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, और कम होके 1 MBPS का स्पीड देगा। तो ये भी बुरा नहीं है। तो सोचिए फ्रेंड, जियो फिर से वापस आ चुका है अपने एक नए तरीके से, अपने एक नए सर्विस से। तो ये तो बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और है फ्रेंड, कि ये जो सर्विस है ये हमें कब तक मिलता है, ये देखने वाली बात होगी, और इस सर्विस के बाद कितना चार्ज करता है वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि आपको इतना ज्यादा स्पीड, मतलब 1 सेकेंड में एक मूवी हम डाउनलोड कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड है, और इस स्पीड को पाने के लिए वो कितना हमसे चार्ज मांगता है, कितना हमें पे करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्या लगता है कितना देना पड़ सकता है हमें, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। प्लीज कमेंट तो जरूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही इंफॉर्मेशन और ऐसे ही टेक्नोलॉजी की न्यूज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।